तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ब्रेड के गुलाब जामुन। ब्रेड ले लिया, चाहे आप वाइट ब्रेड लें चाहे आप ब्राउन ब्रेड लें, ये मैंने आटे की ब्रेड ली है और इसको जो है मैं तोड़ लूँगा और तोड़ के मिक्सी के अंदर इसका बिल्कुल क्राम बना लूँगा। और इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके साइड्स काटने हैं, आप चाहें तो साइड्स काट भी सकते हैं और चाहे तो आप साइड्स रहने भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने टोटल 8 स्लाइसेस लिए हैं इसके लिए और इसका जो है मैं अब क्राम बना लूँगा। ये देखिए एक क्राम बिल्कुल ब्रेड जो है बिल्कुल एकदम पाउडर कर लिया है मैंने इसके लिए क्राम की तरह। 1, 2 और 3 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर मिलाया है। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं मिलता तो आप इसको जो है दूध को प्रॉपर काट के वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसी से आप इसको भून सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है इलायची का पाउडर, क्योंकि गुलाब जामुन के अंदर इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर इलायची के पाउडर का यूज़ किया है। और इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। पहले देखिए मिल्क पाउडर डालते ही ये इससे बाइंड होना चालू कर दिया अपने आप ही। और अब इसको हम जो है ये दूध डाल के इसको गूंद लेंगे और हमें सॉफ्ट आटा लगाना है इसका, बिकॉज सॉफ्ट हम इसलिए लगाएंगे कि जो ब्रेड है ब्रेड ये पूरा दूध पिएगी और ये ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा। ये देखिए इसका डो बिल्कुल सॉफ्ट गूंद दिया है हमने और अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगा। जब तक ये रेस्ट पे रखूंगा तब तक जो है मैं इसके लिए चाशनी बना लेता हूँ। थोड़ा सा दूध लगा देंगे ताकि ये ऊपर सूखे ना। मैंने ये देखिए आधा कप दूध लिया था और आधे कप दूध में से भी मेरा जो है 1 टेबलस्पून पूरा का पूरा दूध बच गया है, तो हमें इतने ही दूध का यूज़ करना है। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैं ले रहा हूँ ये 1.5 कप के करीब मैं इसमें ले रहा हूँ चीनी, और 1.5 कप चीनी के साथ 1.5 कप ही मैं इसमें डालूँगा पानी। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो उस पर तार का नहीं देखना होता, वो जो है चाशनी पतली होती है, तो उसमें खाली चिपचिपापन आपको देखना कि जब चीनी की चिपचिपाहट है वो उसमें आ जाए। और साथ ही में इसके अंदर मैं डाल दूंगा थोड़ा केसर और इसको हम हिलाएंगे, अदरवाइज नहीं तो ये चिपक जाएगा तो चाशनी का टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डाल दें ताकि इसके अंदर भी जो है इलायची का फ्लेवर आ जाए, तो उससे और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा टेस्ट। अब इसके अंदर जैसे चाशनी में बॉयल आएगा तो मैं इसको चाशनी को साफ करने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच दूध का डालूंगा ताकि जितनी भी मैल होगी इसकी चीनी की वो उस ऑटोमेटिकली दूध के साथ ऊपर आ जाएगी। ये चाशनी में बॉयल आ चुका है, अब मैं डालूंगा इसमें 1 चम्मच दूध का। ये देखिए ये जो झाग आ रही है इसको हमें निकालना है। अभी थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसके बाद इसको हम बंद करके इसको साइड पे रखेंगे। अच्छा खासा जो हमारा आटा है इसका गुलाब जामुन का वो सख्त हो चुका है, इसमें अगर हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालेंगे। आप चाहे तो आप पानी का हाथ लगा के भी इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसकी जो है लोई काट लूँगा। वैसे ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉफ्ट करके प्लेन करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बिल्कुल बिल्कुल प्लेन हो गया ये हमारी गोली।
देखिए गोली हमने बना ली है इसकी, गुलाब जामुन की, और अब इसको जो है हम करेंगे फ्राई। और हमें फ्राई करना है बिल्कुल हल्की आंच पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम के लिए जो गुलाब जामुन के हिसाब से हमारी जो आंच है बिल्कुल तैयार है, और इनको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और इसके लिए हमें पूरे इसको अच्छी तरह तेल को हिलाना है, ताकि नीचे जो है इसके हमारे पूरी तरीके से ये एक जैसा कलर आए। अगर आप ऐसे हिलाएंगे तो ध्यान से हिलाइएगा कि तेल आपके ऊपर ना पड़े।